समाजवादी पार्टी की जो परिवारवाद का टीकरा छोड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में रिश्तेदारवाद पार्टी होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देश के चुनाव मैदान में होने से कितना फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय तेज प्रताप बहुत दिनों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और पीडीए परिवार का मजबूत होने के कारण अब अनिलेश यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यादव ही तब यादव नहीं, नहीं, अब यादव ने मन बना लिया कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करना और अपना वोट नहीं खराब करना। वो आदमी कभी जमीन पे नहीं आया, लोगों को बीच में नहीं आए, समाजवादी के सामने क्या टिकेंगे? राजनीतिक परिवार, राजनीतिक परिवार की बात अलग है, लेकिन जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा, जो लोग उसका नाम तक न जानते हो, उनका नाम भी न जानते हो, भले भी रिश्तेदार हो, तो उनके सामने क्या मुकाबला है? माननीय तेज प्रताप जी के सामने कोई मुकाबला नहीं है। करैल विधानसभा का चुनाव बड़ी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप जहां चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के ही रिश्तेदार, रिश्ते में फूफा लगने वाले अजुनेश को भाजपा ने मैदान में उतार दिया। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो बड़ी दूर दूर से आए हैं, किसी न किसी पद पर भी हैं, जाने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि कितना प्रभावित होगा चुनाव। क्या नाम है आपका? मनीष कठेरिया। आपको क्या लग रहा है कि अब जो समाजवादी पार्टी में उन्हीं के रिश्तेदार को बीजेपी ने बना दिया है, तो कितना फर्क पड़ने वाला है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो परिवारवाद का टीकरा फोड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में रिश्तेदारवाद पार्टी होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, राजनाथ सिंह जी के बेटे को भी दिया, उधर कल्याण सिंह जी के। लेकिन करहल के चुनाव की क्या स्थिति है? करहल के चुनाव में पीडीए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्ट्रेटजी बनाई है, उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीए परिवार एकजुट हो रहा है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट होकर मतदान करेगा और मतदाताओं के बीच में हम लोग जा रहे हैं, तो मतदाताओं का रुझान। अजुनेश के चुनाव मैदान में होने से कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय तेज प्रताप बहुत दिनों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और पीडीए परिवार का मजबूत होने के कारण अब अनिलेश यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यादव ही तब यादव नहीं, नहीं, अब यादव ने मन बना लिया कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करना है और अपना वोट नहीं खराब करना है। सर्वेश जी, आप तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और रही मुद्दों की बात, महंगाई कम करने की, भ्रष्टाचार कम करने की, रोजगार देने की, किसानों की आय दोगुनी करते हैं, कहीं नहीं हो पाती है। तो करहल का चुनाव मैं मानता हूँ एक तरफा चुनाव है, ये नेताजी की कर्म भूमि रही है, तो एक तरफा चुनाव है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा कर। अजुनेश तो उनके फूफा जी हैं, क्या प्रभाव? अजुनेश जी जो भी हैं रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यादव वोट की बात करें तो यादव वोट सदैव नेताजी का है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके नाम पर पड़ता है। यहाँ पर रिश्तेदारी का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई रिश्तेदारी का फायदा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में उनको पता चलेगा, वो यूज हो गए। क्या नाम है सर? सुभाष कठेरिया है साहब, SC ST जिला अध्यक्ष चौरैया से है साहब। क्या लगता है कि रिश्तेदारी का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अजुनेश जो है वो तो धर्मेंद्र के बहनोई है और तेज प्रताप के फूफा है, अब आमने सामने है? नहीं, यहाँ हमें तो लग रहा है यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, उनके आने से कोई फर्क नहीं है साहब। वे बहुत, तेज प्रताप जी यहाँ से बहुत बहुत वोटों से जीतेंगे, लाखों वोटों से यहाँ जीतेंगे बहुत। हाँ, बीजेपी का ये जो रणनीति है, आपको क्या लगता है कोई प्रभाव डाल? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय तेज प्रताप के सामने जो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो कोई मुकाबला नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदमी कभी जमीन पे नहीं आया, लोगों को बीच में नहीं आए, समाजवादी के सामने क्या टिकेंगे? राजनीतिक परिवार, राजनीतिक परिवार की बात अलग है, लेकिन जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा, जो लोग उसका नाम तक न जानते हो, उनका नाम भी न जानते हो, भले भी रिश्तेदार हो, तो उनके सामने क्या मुकाबला है? माननीय तेज प्रताप जी के सामने कोई मुकाबला नहीं है, इस परिवार के सामने कुछ नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम अंकित कठेरिया। क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति बनने वाली है? SC वोटर्स किसको पसंद? SC वोटर यहाँ पे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की कर्म भूमि है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और पार्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है, रिश्तेदारी रिश्तेदारी जगह है, लेकिन पार्टी में यहाँ पर जनता ने मूड बना लिया, समाजवादी पार्टी गढ़ रहा और गढ़ रहेगा हमेशा। देखिए, करहल की जनता और चुनाव प्रचार में लगे लोग ये मानते हैं कि तेज प्रताप को बड़ा फायदा यहाँ नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि होने की वजह से मिलेगा, और समाजवादी यहाँ बड़ी संख्या में है जो केवल सपा को वोट करेंगे।
अब रही बात रिश्तेदारी की, वह राजनीति में यह कोई मायने नहीं रखता। अमित तिवारी, यूपी तक।